लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है। सदर थाना क्षेत्र की घटना में पीड़ित युवती के परिजनों ने 27 जनवरी को लोहरदगा महिला थाना पहुंचकर अज्ञात युवकों के खिलाफ कांड संख्या 3/22 में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर 7 युवकों को हिरासत में लिया है। इनसे महिला थाना में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता विवाह समारोह में हिस्सा लेने पहुंची हुई थी। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करने के लिए किनारे ले गया, जहां मौका पाते ही दुष्कर्मी होने घटना को अंजाम दिया है। वहीं बता दे कि जिले में पिछले हफ्ते ही भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका है। जिले में दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।